हेलो फ्रेंड, गुड मॉर्निंग। आज जैसे देख सकते हो, आज गंगा नहाने, आज गंगा मैया का नहाने जाएंगे हम सब लोग। गांव से तो हमारे गांव से पूरा गांव जाएगा, ट्रैक्टर भर के जाएगा। तो आज दिखाने वाला हूँ ट्रैक्टर में कितने मज़े आते हैं और कैसे गंगा नहाया जाता है, ठीक है? तो कैसे गंगा नहाने जाएंगे मैं वो भी दिखाने वाला हूँ, तो ब्लॉग में बने रहो जब तक के लिए। और मेरे साथ मेरे फ्रेंड लोग भी आए हैं, ठीक है? और गंगा में वहाँ नहानी है, वो उधर दिख रहा होगा, कुछ नहीं दिख रहा सॉरी, लेकिन इधर ही जाना है हमको। अजय अजय भाई हैं, और ये ब्लॉग आपको मज़ेदार होने वाला है कि इसमें हम कैसे नहाएंगे और क्या क्या मज़े आने वाले हैं गंगा नहाते समय, वो आपको सारा कुछ देखने को मिलेगा, ठीक है? तो ब्लॉग में बिल्कुल बने रहें और फुल मज़ा आने वाला है, ठीक है? यहाँ पे फोटो शूट करा रहे हैं। ये बरगद का पेड़ है, बहुत ही अच्छा है, बहुत पुराना पेड़ है, लगभग 500 साल पुराना माना जाता है ये पेड़ है, ठीक है? तो यहाँ नीचे देखो, हम गड्ढे भी है बहुत सारे, लेकिन यहाँ पे हम रिक्स बहुत है फोटो खींचने में, लेकिन हम ये रिक्स ले रहे हैं और फोटो खींच रहे हैं। मज़ा आता है फोटोग्राफी करने में, और देख रहे हो बरगद पास में भी बहुत पुराना है। गंगा नहा चुका हूँ, ठीक है? अब मैं गंगा नहा लिया हूँ और कपड़े भी चेंज हो गए हैं, तो देख सकते हो गीला। मैं नहाते हुए क्लिप नहीं बना पाया कि मेरे पास फोन तो था, लेकिन बनवाई है देखते हैं। बहुत सारी भीड़ देख रहे हैं, बना हुआ है बहुत सारी भीड़, लेकिन पुल जो ऊपर वाला बन रहा है गाड़ी वाड़ी वाला अभी आने जाने के लिए, और हम जल्दी नहा लिए क्योंकि आगे पुल के उस तरफ एक बच्चा डूब के एक्सपायर हो गया 18-20 साल का, तो इसलिए ज़्यादा देर नहा नहीं दे रहे, थोड़ी देर मिल के और निकलते हैं यहाँ से पसा वगैरह चल, ठीक है? तब तक के लिए और देखो एक मंदिर हो गया है, खाना हो गया, ट्रैक्टर रेडी है, अब हम निकलने वाले हैं। बस कुछ जन रह गए हैं मेले में, वो आ रहे हैं, उसके बाद सीधा ट्रैक्टर स्टार्ट होता है और चलते हैं गाँव।